नू में हुई डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस वारदात को दुखद बताया है। नू के पंचगांव के अंदर जिस तरीके से अवैध खनन माफियाओं ने एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के ऊपर जिस तरीके से अटैक करके उनको मौत के घाट उतार दिया, उनकी शहादत ले ली, ये इस बात को दर्शाता कि आज हरियाणा के अंदर माफिया इस तरीके से हावी है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो भूम माफिया हो, चाहे वो नशा और लिकर माफिया हो, या किसी भी हम उसमें देखे, आज पूरी तरीके से हरियाणा के अंदर जंगल राज है। हरियाणा में अवैध माइनिंग का धंधा बढ़ता जा रहा है। अवैध माइनिंग करने वाले को हौसले यहाँ तक बढ़ गए कि डीएसपी के ऊपर अब बम्पर चढ़ाने लगे। बहुत खींच का विषय है, इस घटना की मैं निंदा भी करता हूँ, परंतु हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ। 2018 में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हुआ। जितने हरियाणा के अंदर टेंडर निकलते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टेंडर हो, चाहे वो हरियाणा सरकार के टेंडर। एक सीनियर पुलिस अधिकारी को, डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को, जिस तरीके से खनन माफिया ने डंपर चढ़ा करके जिस तरीके से हत्या कर दी सीनियर पुलिस अधिकारी की, वो अपने आप में दिखाता है कि किसी भी अपराधी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो इतने सीनियर पुलिस अधिकारी पर इस तरीके से डंपर चढ़ा दे। निश्चित तौर पर राजनैतिक सरपरस्ती है। बार बार मांग उठने के बावजूद खनन माफियाओं पे कोई कार्रवाई न होना इन सारी घटनाओं की सूचक है। डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के हत्यारों को जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाए पुलिस। विधायकों को धमकी देने वाले बदमाशों पर कार्रवाई करे सरकार। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज सरकार की जिम्मेदारी है।